So we were discussing that the gravitational force is a universal force, universal attractive force, means that if we go anywhere in the universe, so the nature of the gravitational force will be attractive. So after that we have the another property, that the gravitational force is conservative, means it does not depend on the path, कि पाथ कोई भी हो, आपने जैसे किसी भी बॉडी को मूव किया है, तो उसका जो वर्क डन है, देखो वर्क डन कब होता है, व्हेन वी मूव, व्हेन वी डिस्प्लेस एनी बॉडी, सो उसकी डिस्प्लेसमेंट का पाथ कोई भी हो, जो वर्क डन है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. तो इट विल द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. Other property, that this is the weakest force, जो आपको मैं आगे भी बताऊंगा, fundamental force, जितने भी force होते हैं सबसे ये weak है. उसके बाद बेटा जो आपका ये force है, it acts along the line joining the centers, that ये आपका first body है, ये आपका second body है, तो इनमें gravitational force लगेगा कहाँ पे, तो इन दोनों को join कर दो, उनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है. तो ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन में आपका जो फोर्स है वो लगेगा, मतलब ये आपकी होगी, या तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो तो ये डायरेक्शन होगी, या ये वाली डायरेक्शन होगी. तो इस तरीके से बेटा ये जो फोर्स है ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज. उसके बाद दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द gravitational force. Next we have the electromagnetic force. So what is electromagnetic force? This is also known as electrostatic force. तो इसका दूसरा नाम भी याद रखना है आपने, electrostatic force. तो ये होता क्या है, suppose there are आपने example इसका जो है वो daily life में भी देखा होगा, that if you have a plastic scale, आपके पास एक plastic scale है, उसको आपने रब करना है अपने हेयर्स में, उसके बाद आप कुछ पीसेस ले लो, पेपर के पीसेस, और उस रब्ड स्केल से उनको उठा के देखो, व्हाट विल यू सी, दैट दिस स्केल अट्रैक्ट दोस पीसेस ऑफ द पेपर. तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो इस तरह से ये आपकी एग्जांपल हो गई. तो यहाँ पे ये होता किस में है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस में होता था, कि दो बॉडीज हैं जिनके पास मास होते हैं m1 m2, उनके बीच में लगता है. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये उन बॉडीज में लगता है जिनके पास चार्ज होता है. सपोज इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास माइनस चार्ज है, तो ये बेटा यहाँ पे ये जो प्लस वाला है ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे ये जो फोर्स है बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स इसको बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है ये हमारा है ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब इसमें देखो, अगर तो प्लस प्लस हुए तो आपका रिपल्सिव होगा फोर्स जो उनके बीच में, अगर एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा, ये याद रखना है आपने. देखो अगर अपने ग्रेविटेशन की बात करें, दैट इज दी ओनली हैव अट्रैक्टिव नेचर, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैव बोथ द नेचर, दैट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. तो इसके पास दोनों जो है होती हैं. इसका फॉर्मूला आपने देखना है बेटा, फॉर्मूला क्या है इसका, एफ इज इक्वल टू 1/4π0 q1 q2/r2. तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला है. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, के दो चार्ज हैं q1 q2 और उनमें डिस्टेंस है r, तो फोर्स जो है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर कर दोगे
तो उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से दिस इज द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अदर फोर्सेस वी विल डिस्कस इन दी फर्दर लेक्चर्स। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।